दोस्तों, आप लोगों का उत्साह देख के आज हमारा मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन का पहला कार्यक्रम है और युवाओं का जोश देख के मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मिशन पे हम लोग निकले हैं पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए कि हमारा भारत बहुत जल्दी नंबर वन बन के रहेगा। आजादी के 75 साल मना रहे हैं हम लोग, खूब हर्षोल्लास के साथ, सबके हाथ में तिरंगा है, पूरे देश के अंदर लोग गलियों में निकल रहे हैं, अपने अपने तरीके से 75 साल आजादी के मना रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मन में उठता है, कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि आप भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में कई देश ऐसे हैं जो हमसे आगे निकल गए, कई देश ऐसे हैं हमारे बाद आजाद हुए वो हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर हमारे से 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, आज वो हमसे आगे निकल गया। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, वो हमसे आगे निकल गया। हमारे में क्या कमी है जी? हमारे में कोई कमी है क्या? भारत के लोग सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के। मैं हमेशा कहता हूं, जब भगवान ने पृथ्वी पे इंसान बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उन भगवान ने भारत में पैदा किए। पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की, लंदन की, फ्रांस की, यूरोप की, आपको टॉप के ऊपर 1, 2, 3 नंबर पे कहीं ना कहीं भारत का आदमी बैठा हुआ मिल जाएगा। हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, फिर भारत पीछे क्यों रह गया? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? हमारे पास बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट किसान हैं, फिर भी भारत पीछे रह गया। क्यों भारत पीछे रह गया? 75 साल में इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने गंदी राजनीति करने के सिवा कुछ नहीं किया। अगर इन नेताओं के और इन पार्टियों के भरोसे देश छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैंने तय किया है, पूरे देश में घूमेंगे, 130 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। जिस दिन 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए मुट्ठी की तरह, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से 75 साल पहले हम इकट्ठे हुए थे, अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया हमने देश से। एक बार फिर इकट्ठे हो जाओ सारे जने, हम फिर से दुनिया का नंबर वन देश बन सकते हैं।